गाइस कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस फर्स्टली आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया है। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या रीज़न है आपके वीडियो अपलोड ना करने का। तो गाइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि हमारा ससुराल वाला जो घर है वो बन रहा था, मतलब मकान पे काम हो रहा था, तो इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं बहुत सारा काम हो जाता है, तो इसीलिए वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी कोविड की वजह से काम बंद हो गया है, तो अब मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। और आज मैं इसलिए वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत 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 स्पेशल डे है। तो गाइस आज है हमारी हीरो का, हमारी लाडो का हैप्पी वाला बर्थडे। आपको कुछ बोलना है? कुछ नहीं, कुछ तो बोल दो प्लीज। थैंक यू गाइस। और जो चीट मिला बच्चा रुद्र, आ जाओ रुद्र से हाय। टाटा का तो टाटा 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 करना रुद्र। अगर सोच रहे हैं तो क्या कहोगे? टाटा। अरे रुद्र अगर सोच रहे हैं मम्मा क्या कहोगे रुद्र? तो गाइस उतर आ गया है, फिर से आ गया, बस देखिए तो फिर से वो आ गया। तो गाइस अभी मैंने साड़ी पहन रखी है और मैं जल्दी से इसको चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे का प्रोग्राम देखते हैं क्या करना है। तो साड़ी चेंज करने के बाद तो गाइस अभी हम आ गए हैं किचन में। मैं और दीदी अभी खाने वाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या गाइस, तैयारी सब हो गई है, सब्जी बन गई है, खीर रायता सब बन गया है, बस पूड़ियाँ सेकना रह गया है। पूड़ी और कचौड़ी अभी हम लोग सेकेंगे और दीदी खाना पैक कर रही हैं क्योंकि ससुराल से कोई नहीं आया है। मतलब शाम को ये आ सकते हैं लेकिन पापा जी मम्मी जी नहीं आएंगे क्योंकि बोल रहे थे क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए आके, और कोविड की वजह से आना जाना भी ठीक नहीं है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ईरा का बर्थडे हम लोग इस बार ईरू की नानी के यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्योंकि पता है क्या, ईरा और दीदी ना पहले से ही यहाँ पर थी और रुद्र, तो मम्मी ने कहा, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि वहीं पर कर लो, अभी आओगे जाओगे ऐसे सही भी नहीं है ना आना जाना कोविड की वजह से। तो हम लोग यहीं पे ईरू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और ये ना ईरा का पहला बर्थडे है जो हम लोग ईरू की नानी का सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ये देखिए गाइस बातों ही बातों में यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी कचौड़ी सिक चुकी हैं, मतलब मैंने तल ली हैं और अभी हमारा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और गाइस कितनी अच्छी लग रही है ना यम्मी यम्मी कचौड़ी, किस किस का खाने का दिल कर रहा है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और ये देखिए हमारा खाना तैयार हो चुका है, छोले की सब्जी, कटहल की सब्जी, खीर, रायता पूड़ी और कचौड़ी, किस किस को खाना है जल्दी से आ जाइए। तो गाइस अभी मैंने कपड़े उपड़े चेंज कर लिए हैं और देखिए मैंने पहना है एक सिंपल सा कुर्ता और यहाँ पे हमने ये सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है जो हम डेकोरेशन करेंगे उस हिसाब से। और ये है कुछ सामान और भाई को सामान लेने क्या है, तो इस वाली वॉल को हम डेकोरेट करेंगे। और मैं आपको एक बहुत बहुत अलग सी चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारे यहाँ है एक छोटा सा, गाइस ये है ग्वावा यानी अमरूद। ये देखिए कितने सारे अमरूद आ रहे हैं, ये टू और ये टू। तो गाइस यहाँ पर एक घोंसला बनाया था तो उसकी माँ ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए ये तैयारी करी है। तो गाइस चलिए अभी हम लोग डेकोरेशन करना स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस इस बार ना हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, हम लोग लगाएंगे कैनोपी। और गाइस ये कैनोपी वाला जो आइडिया है ना ये मीनाक्षी का था, मीनाक्षी यानी मेरी छोटी सिस्टर जिसकी अभी इंगेजमेंट हुई है उसी का ये आइडिया था। और गाइस आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि इंगेजमेंट वाले वीडियोस कब शेयर करेंगे, कब शेयर करेंगे,
तो जल्दी ही मैं वो सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया है। लेकिन अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, मतलब काम वाम जो मुकालमे चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। तो अब मैं बहुत जल्दी वो वाली वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। एंड गाइस, वीडियो को ना फास्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, लगभग 3 से 4 घंटे हमें लगे थे ये सारा रूम डेकोर करने में। तो इसीलिए मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग पूरा देखते नहीं हो, इसीलिए मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। गाइस, फाइनली 4 घंटे की मेहनत के बाद सारा रूम डेकोरेट हो चुका है और वाकई में रूम बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और हमने यहाँ पे लगाई है कैनोपी, मैंने, मीनाक्षी ने और भाई ने और दीदी ने, हम चारों ने मिलके किया है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और आप कुछ भी चीज़ करते हो ना, फिर जब वो फाइनल उसका लुक निकल के आता है तो देख के ना बहुत खुशी होती है। तो आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। अब रुद्र आप हमें पकड़ो, आ जाओ। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। रुद्र कहना दीदी हैप्पी बर्थडे।
फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। एंड गाइस, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गाइस, अभी इराका केक कट चुका है और इस बार भी ना हम लोगों ने बस घर घर के ही लोग थे, किसी को भी नहीं बुलाया था। पिछली बार इरा दादी के यहाँ थी, इस बार इरा नानी के यहाँ है और घर घर के लोग थे, किसी को नहीं बुलाया था कोविड की वजह से। और देखते हैं अगली साल क्या होता है, क्योंकि पिछली बार और इस बार तो कोविड बहुत ज़्यादा था। और ये है इरू का गिफ्ट जो इरू के चाचू ने दिया है, जो कि इरा को काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस, ये देखिए, इरा का कोई भी टॉय हो ना, रुद्र को लेना ही होता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई जस्ट होप आपको अच्छा लगा हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड गाइस, हमारी इरू के लिए ढेर सारी प्रे कीजिए कि वो हमेशा खुश रहे, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे और हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहे। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो जब हम ऊपर आए थे ना तैयार होके, तब मौसी ने ये बोला था, उसकी तैयारी पहले की बता देते हैं। तो मौसी ने बोला था या कुछ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हो पाया। फिर मौसी ने मैं आँखें बंद करी, फिर मीनाक्षी मौसी से बोला कि लाइट बंद कर दो। फिर मौसी ने मैं अंदर भेजा, फिर आँखें खोला, मेरी आँखें खोली है।
पे इतना सुंदर सब कुछ सजा गया था बहुत। ओह माय गॉड, आपको अच्छा लगा? हाँ, तो इतना अच्छा लगा, फिर उसमें थोड़े से फोटो खिंचवाए, फिर जो डैडी था ना वो बहुत ज्यादा वो पड़ा था, और वो लाइट होती है ना व्हाइट व्हाइट, वो ऐसे ऐसे टांगी गई थी तो उस पर, फिर मैंने केक काटा अपना। आराम आराम से बोलो इरा। फिर बैल भगवान जी को भोग चढ़ा गया, फिर सबने खाया आराम से मिलकर। रुद्र, ये किसके स्लीपर पहन लिए हैं? अपनी। किसके स्लीपर है ये? मेरा।